बता दो आपको टाइमिंग।
حاجتك الله غمه ولا طالب حاجته إلا وقضى الله حاجته فقال أهل الإسلام إذا الله أخذنا أخذنا كذلك سبيل القاضي وخير في الدنيا والآخرة رب القاضي सरवर की लाश पर
ताकीद कर रहा था। उमर पहुंचे शाम को, जल्दी जला दो आग से शाह के खयाम को। अरे जल्दी जला दो आग से, अरे शाह के खयाम को। ये हो कम था के बेवाओं का देवर जियो, अकबर कुबरा के सर का मखना और जरदीली जियो। गोशे सकीना जान के गौहर दिली जियो, जैनब के फर्क पाक की अरे चादर दिली जियो। अरे बेखौफ लूटो खाना इब्ने बतूल को, मोहताज कर दो खल्क में आले रसूल को। अरे मोहताज कर दो खल्क में आले रसूल को। अरे सुनता हूँ एक मरीज है खैमे में तश्ना काम, सज्जाद उसको कहते हैं, आबिद है वो उसका नाम। अब है वसी शहंशाह खासो आम, रोके अगर तो कीजियो काम इसका तुम तमाम। और तप में गश जो पाओ इब्ने हुसैन को, कैदी बना के लाइयो इब्ने हुसैन को। कैदी बना के लाइयो इब्ने हुसैन को। ये जिक्र था के गुल हुआ देहड़ी पे नागहां, थर्राए खौफ से हरम शाह दो जहां। बशर से उठा कांप, बिस्तर से उठे कांप से सज्जाद नातवां। देवड़ी पे जाके जालिमों से यूं किया बयां, अरे तुम सबको चाहा ही ये अदब इस बारगाह का। ऐ जालिमों ये घर है रिसालत पनाह का, ज़ालिमों ये घर है रिसालत पनाह का। अरे बाबा की तरह मुझको भी नेज़े लगाओ तुम, मेरे भी हल्के खुश्के पे खंजर फिराओ तुम। हाजिर हूँ मुझको तोफो सलासिल पहनाओ तुम, बेवाओं के लूटने से मगर हाथ उठाओ तुम। अरे दो दिन का इन पे फाका है, दो दिन की प्यास है, दुनिया का माल नहीं कुछ अरे इनके पास है। अरे दुनिया का मालो जर नहीं कुछ इनके पास है, जर हाथ आए ये वापस है तुम्हें ख्याल मोहताज।
आत्मा के आया है सभी को हार जब जुजे करवाए कहना ना था कुछ मुदामार दुनिया की नेमतों से जुबाश ना थे मुझ ना जो जो के और मैं असर ना थे जुजनानो जो के और मैं असर ना थी दुनिया में जिस तरह की थी तेरा बतूल पर मोहताज इसी तरह की ये बीवी यहाँ है नोहगर ये घर अगर लुटा तो लुटा मुस्तफा का घर सर नंगे ये हुई तो खुला फातिमा का सर ये बीबियां भी मरियमों हवा से कम नहीं इस्मत हर एक की इस्मत जहरा से कम नहीं इस्मत हर एक की इस्मत जहरा से कम नहीं आदा से कह रहा था ये बीमार करबला इतने में हमला फौजे सितमगार का हुआ लश्कर से कश्मकश से वो रंजूर घर पड़ा चिल्ला के फौज से उमर साद ने कहा अरे नजदीक इसके गैर को आने न दीजियो काबू से इस मरीज को जाने न दीजियो काबू से इस मरीज को जाने न दीजियो जिनहार इसके हाल से कोई तरस न खाए खुदाद से ये कह दो के जंजीरो तौक लाए जंजीरो तौक सामने जालिम जो ले के आए आबेद ने सर झुका दिया और पाँव भी बढ़ाए अरे तौके गिरा पहना दिया इस बेगुनाह को सदमा हुआ लहद में रिसालत पनाह को सदमा हुआ लहद में रिसालत पनाह को आबे को कैद कर चुके जब बानिए जफा दुर्राना खैमे के अंदर वो बेहया गैरत के मारे चादरों से मुँह छुपा छुपा छुपने लगी सराजू में बीबियां बसत बुका अरे चिल्लाती थी तबाही गरीबों पे आई है लुटता है घर हुसैन का या रब दुहाई है लुटता है घर हुसैन का या रब दुहाई है फरियाद है के होते
रू से आह को मारा तम
गुनाह को बस लगते ही तमाचे के रश उसको आ गया। बीबियां ये हाल देख के दौड़ी बर है न पा चिल्लाई बानो हाय ये कैसा सितम हुआ। अरे बच्ची को मेरी मारा तमाचा गजब किया। अरे जख्मी है कान सुर्ख तमाचे से गाल है। हाय हाय ये बे हुसैन रे सकीना का हाल है। हाय हाय ये बे हुसैन सकीना का हाल है। से जनाब किबला मौलाना बिलाल कादरी साहब छः मजालिस से मुसलसल खिताब फरमाएंगे, तो मोमिन से गुजारिश है कि नोट फरमा लें कि बिलाल कादरी साहब 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 तक खिताब फरमाएंगे मजालिस से। और हमारे दरमियान इस वक्त पाकिस्तान से तशरीफ लाए हुए अल्लामा जनाब किबला प्रोफेसर अली रजा शाह साहब नकवी साहब तशरीफ रखते हैं और ये तीन मजालिस के सिलसिले से खिताब फरमाएंगे आज कल और परसों। लिहाजा मोमिनीन से गुजारिश है कि जो दूसरे हाल में तशरीफ़ रखते हैं अंदर तशरीफ़ लाएँ और ज़रा पाबंदी का ख्याल रखें। सलवात अब मैं दरख्वास्त करूँगा प्रोफेसर अली रज़ा शाह नकवी साहब से कि मजलिस से खिताब फरमाने के लिए सलवात पढ़ें। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين بالفاطم وعم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلى الله عليه وسلم.
मोहतरम खुदा जला जलाल नजर बस से महफूज रखे, मुझे बड़ी मुसरत हुई पहली दफा इस अदा खाने को देखकर कि दयार गैर में इतना अच्छा और आला इंतजाम आप लोगों ने कर रखा है। अल्लाह ताला इसे शादवाबाद रखे और इसको बनाने वाले और उनका साथ देने वाले उन सबको भी हर तरह से शादवाबाद रखे। किसी काम का कहना बहुत आसान है लेकिन अमली तौर पर उसे पूरा करना बहुत मुश्किल है। ये नजर आ रहा है कि कितनी काविशों कोशिशों के बाद ये तमाम चीजें वजूद पजीर हुई होंगी और मुसलसल उसको कायम और दायम रखना वो भी लातादाद काविशों का नतीजा है। और ये बातें तमाम आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक को कायम रखते हुए ही रोनुमा हो सकती हैं और इंशाअल्लाह ताला मोमिन इंकराम में ये इत्तेहाद इत्तेफाक इसी तरह से कायम हो जाएंगे। मैंने सूरह तौबा की आय करीमा की तलावत का शरफ आप हजरात के सामने हासिल किया। ये वो वाहिद सूरह है जिसका आगाज बगैर बिस्मिल्लाह के है, इसलिए अगर इल्म हो कि अगर कोई आया किसी सूरह की है तो उसकी तलावत भी बगैर बिस्मिल्लाह के करना चाहिए। सलवात पढ़े मोहम्मद माशाल्लाह मोमिन मौजूद हैं और मैं जाती तौर पर न खुद बकील न बकीलों को मानने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तादाद क्या है या कितनी है। हम तो ये जानते हैं कि एक सुनने वाला हो और एक बयान करने वाला हो हमेशा, अगर ये भी ना हो तो खुद ही सुने और खुद ही बयान करे तब भी सवाब मिलता है। माशाल्लाह बचपने से लेकर और ये आ गया, ये वाहिद एक ऐसी अजीम दरसगाह है जिसने इतना कुछ सिखाया है कि दूसरी दरसगाहें बरसों में भी न सिखा सके। जहां साल के 365 दिन आदमी पकता है, यहां तो अमलन तो 10 दिन होते हैं शुरू के, उसके बाद फिर और मिला लीजिए तो बमुश्किल तमाम 2 महीने और 7 दिन हो जाते। लेकिन ये इतनी बड़ी दरसगाह है कि इन चंद अयाम में इतना कुछ आदमी कम से कम दीन के मुतालिक सीख लेता है कि दूसरे लोग सदियां गुजार कर भी नहीं सीख सकते। ये एजाज है सिर्फ मासूमीन अलैहिस्सलाम से ज़वाते मुकद्दसा, इसके अलावा कुछ नहीं। और उसके साथ साथ ये ऐसा दर्स है कि इसके मुकाबले में ना जाने कितने दुरूस कायम किए गए, सब अपने अपने वक्त में अपनी अपनी मौत खत्म होते चले गए और ये कायम होता है और ये रहेगा कयामत तक। क्यों रहेगा? क्योंकि जिनका जिक्र किया जा रहा है वो कयामत तक रहेगा। शिया हैं वो तो हैं, उस पर तो हमें फख्र है, ये बहुत बड़ा एजाज है जो हमें मिला हुआ है, इसमें कभी सुस्ती महसूस नहीं किया करते। बहुत बड़ा एजाज, ये वाहिद हम हैं पूरी दुनिया में जो अपने एतकाद का इजहार डंके की चोट पर करते हैं। आगा। 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 आगा।
विवाहित हम हैं, न ईसाई हमारे मुकाबले में करता है, न मजूसी करता है, न नफ्सानी करता है, न कम्युनिस्ट करते हैं, कोई नहीं करते, हम हैं। वह बांगे दो कैसे शिया हो कुछ ही हो, दस मुहर्रम आया हो घर से बाहर जी, क्या है इजहार कर रहा है, ऐलान कर रहा है अपने अकीदे का, कोई भी पूरे साल नहीं निकलते, मसरूफियात होंगी, लेकिन अशरे के दिन अगर वो शिया तो ये हो नहीं सकता कि वो अपने अकीदे का इजहार बबांगे दोहल न करे, करे ही करेगा, वजह इसकी क्या है, ऐसा जी अर्ज करना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीन मजलिसें कुछ हैं, लास्ट जिले से कल कुछ ना पहुंचा था हूसन बेटे के पास, और यहाँ अच्छा भी जाने का आ जाइए, अब फिर लास्ट जिले से वापस जाना देख पाएंगे, फिर वहाँ पढ़ना कुछ देखे जहाँ जनाब शेजा हुकुम फरमाएंगे, मरना बरहक है, मुस्तकबिल का हर लम्हा गैर यकीनी है और मौत यकीनी है, याद रखिए जब मौत यकीनी है तो जाने के बाद हर एक की तमन्ना उपाय यही है कि मैं जब उस दुनिया में जाऊं तो बख्शा जाए, हर एक की तमन्ना है या नहीं, हर एक की ख्वाहिश चाहिए, उन तक की ख्वाहिश और तमन्ना यह है जो खुद को खुदा कहते हैं, जब हम जाए तो वो यहां कर बख्शे जाए, और अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक हर एक कोशिश करता है कि मैं कोई अच्छाई कर जाऊं, नेकी कर जाऊं, अपनी अपनी जी, बहुत बड़ा कोई जालिम है मुसलसल जुल्म करता है, कभी कभी ये सोचता है इसे छोड़ दूं मैं, तो उसने अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छाई की, नेकी की, ये नमाजी है, परहेजगार है, वो तो करता ही रहता है, ये आम दुनिया की जिंदगी के लोग हैं उनकी भी ख्वाहिश होती है कहीं मौका मिला अपनी हैसियत के मुताबिक कोई ना कोई अच्छाई वो कर देते हैं, नेकी कर देते हैं। अजीब अंदाज है मालिक का, तुम अगर एक नेकी करोगे तो उसका बदला वो तुम्हें दस नेकियों के बराबर देगा, मंजाकुम बिल हसनत फलहु अशरो अमसालेहा, अगर तुम में से कोई एक नेकी लेकर आएगा तो अल्लाह उसका सिला उसका बदला दस नेकियों के बराबर देगा, बहुत तवज्जो से जनाब बात समझ में आ रही है, एक ने बुराई को छोड़ दीजिए वो वहीं एक रहती है, हमें उससे ताल्लुक ही नहीं, हम तो नेकी की बात कर रहे हैं जी, एक नेकी आपने की उसका बदला दस नेकियों के बराबर, कोशिश यही हर एक करता है अपनी हैसियत के मुताबिक कि मैं दुनिया में नेकी करूं अच्छाई करूं, ज्यादा ज्यादा नेकी करूं अच्छाई करूं ताकि बख्शा जाऊं जी, कितनी ही नेकियां कर ली पूरी जिंदगी हमने, नेकियों की बात कर रहा हूं, चार्ट बना लिया हमने, बुराइयों को छोड़ दीजिए, नेकियां हम करते रहे, हर नेकी का बदला दस नेकियों के बराबर, ग्राफ बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, फिर भी बख्शे जाने का यकीन नहीं, रसलवार पढ़ दे मोहम्मद मिजाज ये है, जो लोग हमें कहते हैं जानते हैं कि हम उस किताब से गुफ्तगू करते हैं जिस पर हमारा कामिल यकीन है, वो है कुरान शरीफ, शिया है तो कुरान पर यकीन है कामिल लगता है, सलवात पढ़े मोहम्मद, हमसे ज्यादा किसी को क्या लगा होगा कुरान से, कहां नाजिल हुआ, अदियार के घरों में नहीं, हमारे आकाओं के घर में, हम उस दरवाजे के गुलाम, तो हमसे ज्यादा कुरान से मोहब्बत कौन करेगा,
सलवार पढ़े मोहम्मद वाले। अभी हमारे चंदोस्त बहुत दूर बैठे हुए हैं, दीवार से लगे हुए, शायद कुछ अगर तबीयत जो खराब है तो और बात है। वरना जो शिया होता है ना सा, वो मिंबर के नजदीक होता है, क्योंकि गदीर में मिंबर ही बना था। सलवार पढ़े मोहम्मद वाले, वरना गदीर में सफ़े भी मिल सकती थी। हुजूर कहते कि सफ़े बिछाओ, है सफ़ेदी भी चाहिए, कहा मिंबर बनाओ, है ना। तो जो शिया होगा वो मिंबर से करीबी होगा, जना मिंबर से वहाँ मजबूरी की बात हो रही, बीमार हैं, थके हुए हैं, बुजुर्ग हैं, नहीं बैठ सकते दीवार के बगैर। तो मैं उसे कर रहा था कि एक नेकी के बदले 10 नेकियां, फिर भी बख्शे जाने का यकीन नहीं है। अच्छा जहाँ कितनी देर पढ़ना है नहीं मालूम तो हो। अच्छा अंग्रेजी में तो नहीं पढ़ना, अगर अंग्रेजी में पढ़ना है तो पहले अंग्रेजी में पढ़ूं, है इफ ऑल कैन अंडरस्टैंड उर्दू वेल देन व्हाई शुड आई, ठीक है ना। और एक बात और समझा देता हूँ, मैं सारी जिंदगी अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, एक अलग बात है। ये जो है ना आज़ादारी हर जबान में होती है, पंजाबी में होती है, फारसी में होती है, अरबी में होती है, सराइकी में होती है, सिंधी में होती है, उर्दू में होती है, पश्तो में होती है। लेकिन मेरी जिंदगी का तजर्बा ये है कि आज़ादारी की जबान उर्दू है। सलवार पढ़ जितनी बर्रे सगीर में आज़ादारी है और बर्रे सगीर की वजह से दुनिया के दूसरों हिस्सों में है, ना अरब में इतनी है ना ईरान में इतनी है। सलवार पढ़ जरा मोहम्मद तो अब हमने इतनी नेकियां की पूरी जिंदगी, लेकिन बख्शे जाने का फिर भी यकीन नहीं है। कुरान ने नेकियां बता दी थी, लैसल बिर्रान तो वल्लू वुजूहकुम क़िबला अल-मशरिक़ वल-मग़रिब ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي یہ نیکیاں بتائیں، اللہ پر ایمان لانا بھی نیکی ہے، اللہ پر ایمان لانا نیکی ہے۔ یہ نہ سمجھے گا ایسی ہم نے کہہ دیا صرف ایمان لا اس پر تو نیکی ہے ہی، یوم آخرت پر ایمان لانا نیکی ہے، मलाइका पर ईमान लाना नेकी है, किताब पर ईमान लाना नेकी है, तमाम अंबिया पर ईमान लाना नेकी है। कि तमाम चीजें नेकियां हैं, हमने की भाई यकीन रखा तभी तो कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, इधर कहा उधर नेकी हो गई। पूरी जिंदगी नेकियां करते रहे, दूसरों को तबलीग की, ये भी नेकी है, नेकी का नतीजा भी नेकी है। यानी हमारे कहने की वजह से अगर कोई दूसरा अल्लाह पर ईमान लाया तो ये भी तो नेकी हुई, हम खुद ईमान लाए वो नेकी, दूसरे को हमने तबलीग की नेकी वो नेकी पर अमल किया उसने तो सवाब हमें मिला। तो सारी जिंदगी इतनी नेकियां की, बख्शे जाने का यकीन फिर भी नहीं। तो मालिक फिर ये क्या हुआ, हमने पूरी जिंदगी किया क्या जो बख्शे जाने का यकीन ही नहीं, फायदा क्या हुआ है नेकियों के करने से। वे अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह अकबर का, अम्बिया पर ईमान लाए, मोहम्मद को नबी माना, यौम आखिर पर ईमान लाए, उसके कहने की वजह से जजा और सजा की वजह से नमाज को कायम किया, रोजे को कायम किया, हज को कायम किया, ज़कात को कायम किया, सुन्नत को कायम किया, तमाम चीज़ें की नेकियां नेकियां करते रहे, फिर भी बख्शे जाने का यकीन नहीं। अब हम हो गए 72 बरस के, करें क्या, मंजिल तो आगे बहुत ही थोड़ी रह गई। ये और बात है कि इस सिलसिले के अंदर सीनियरिटी को कोई दखल नहीं होता। सलवार पढ़े जरा मोहम्मद वाला, लेकिन सोचना तो पड़ेगा जनाब, प्रैक्टिकल आदमी होना चाहिए। पहुंच गए बहुत करीब, सारी जिंदगी अपनी हैसियत के मुताबिक नहीं चाहिए, क्यों ना की यहाँ खोली तो बाप को नमाज पढ़ता हुआ देखा,
नाखूनों आस पास वाले थोड़े बड़े हुए, माँ ने आली मदद कहना सिखाया, बाप ने नमाज पढ़ना सिखाया जी, जरा बड़े हुए रोजा रखना शुरू किया, सबको देखा घर में रोजा रखते हुए, जहां सब थोड़ा सा साहिब हैसियत हुए इस्तेआत आई जाकर हज कर लिया, एक ही दफा तो वाजिब है ना, जो इस्तेआत रखे मन इस्तेआत इलाह सबीला है, तो इस्तेआत जिस्मानी भी होती और माली भी होती है, करिया है नेकी नेकियां की बख्शे जाने का फिर भी यकीन नहीं, अब करें क्या, फायदा क्या हुआ नमाज में, रोजों का फायदा क्या हुआ, हज का फायदा क्या हुआ, जकात देते रहे फायदा क्या हुआ, खुम्स निकालते रहे साल में फायदा क्या हुआ, बख्शे जाने का यकीन है ही नहीं, हमारी क्या करें, क्या मजलिस की इब्तदा इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि हम जिक्र करते क्यों हैं, जरा सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, अपने इस एतकाद में इतने पुख्ता क्यों हैं हम है? मैं कभी नहीं कहता कि शिया एतकाद में कमजोर होता है, वो शिया ही नहीं होंगे जनाब, अपने अकीदे में पुख्ता होता है। अच्छा शियत है क्या, इससे पहले बात आगे बड़ा मुख्तस में एक जुमले बता दू, शियत है क्या, नमाज कौन सा भी नमाज पढ़ना, आपने कौन सा अनोखा काम किया जी, रोजा सभी रखना शाह भले हम भले और भी जितने सब रख रहे हैं, आपने कौन सा अनोखा काम किया, भाई सभी कर रहे हैं साथी होते, आपने कौन सा अनोखा काम किया जी, लगा सभी दे रहे हैं कौन सा अनोखा काम किया, वो क्या चीज है जिससे वजाहत होकर आप शिया हैं, वो शियत है क्या, एक जुमला याद रखिएगा फिर, शियत क्या है, ये अकीदा खलीफतहु बिला फासले, आप समझ में आ गई बात, डिड यू टेक माई वर्ड्स सीरियसली, क्या है शियत, सिर्फ ये अकीदा खलीफतहु बिला फासले, वलीउल्लाह नहीं, जो रुक गए वलीउल्लाह कह के, कहां तक जाओ, खलीफतहु बिला फासले तक जाओ, सलवात पढ़ेगा मोहम्मद, ये है शियत, लेकिन लफ्ज का खुद जिम्मेदार हूं, खुद जो अर्ज कर रहा हूं, मैंने कहा इसके अलावा कोई शियत हो तो मुझे बता देते, शियत सिर्फ यही है, तमाम चीजें अपनी जगह पर, खलीफतहु बिला फसल का अकीदा जो है वो है शियत, तो इसमें कभी किसी शिया के पास कमजोरी नहीं आती, जहां कमजोरी देखें समझ लीजिए ये शिया नहीं है, चाहे लाख हमारे साथ रहता हो, सलवात पढ़े मोहम्मद तो हम करें क्या हुजूर, पूरी जिंदगी नेकियां करते रहे, जाना है ना जाने का वाजा बुलाने वाला वक्त, उससे पता है हमें पता तो है नहीं, आएगा जरूर बुलाने के लिए, हम तो अल्लाह में आए क्या, हमें बगैर उसके बुलाए नहीं जाएंगे, वो बुलाने वाला भेजेगा तब जाएंगे, उसके बगैर नहीं जाएंगे, जरा ना जाने वो कब आएगा, चले गए वक्त से जाने का यकीन, तो पूरी जिंदगी हमने किया क्या, हमारी तो पूरी जिंदगी तो अकारत हो गई, नहीं ऐसी बात नहीं, अगर कुरान ने यह न बताया तो कुछ न बताया, फायदा क्या है फिर कुरान का, फायदा क्या है, सिर्फ यही बताता रहा है कि ये नहीं की करो, ये नहीं की करो, ये नहीं की करो, ये नहीं की करो, वो तो करते रहे, हमें ये भी तो बता कि हम बख्शे कैसे जाएंगे, अगर ये तूने ना बताया तो कुछ ना बताया, और हर कुछ तो कुरान मौजूद है, ये हो नहीं सकता कि वो ना बताए,
आप समझ न सके 1400 बरस तक वो बात और सलवार पढ़े मोहम्मद वाले तारीफ है। तारीफ बड़ी जालिम चीज होती है, जो लम्हा एक दफा सुपर करता है रकम हो गया तो फिर मिटता नहीं। अच्छे वापस आए आखिरी है जो पहला बैठे हुए हम सारे मदीना सबके समझू गुफ्तगू छिड़ी। सरकार आपने हमारी बड़ी खिदमत, हम बुत परस्त थे, आपने हमको खुदा परस्त बनाया, हम पूरी दुनिया के अंदर दलील ख्वार थे, आपने हमें अशराफ से अरब करार दिलवाया, हम वर्षों से आपस में लड़ाई झगड़ों कत्लो गारत गरीब मसरूफ थे, आपने हमें आपस में भाई भाई बनाया। हम ये चाहते हैं कि आपको इस बात का कुछ सिला, आपने 11 बरस तक जो हमारी 10 बरस तक खिदमत की है, हमें ये एजाज दिया आपने, ये एजाज बख्शा, हम चाहते हैं इस पर आपको कुछ सिला, क्योंकि आपके पास जो मेहमान आते हैं मक्के से या दूर दराज से, तो हम ये देखते हैं कि आप उनकी सही तरह से ज़ियाफ़त नहीं फरमाते, तो हमने ये फैसला किया कि हमारी जो कुलियतन दौलत है उसका तीसरा हिस्सा हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। दौलत पूरी जो उनके पास, ये हमने फैसला किया है, आपको सिला देना चाहते हैं। यानी आज वो तो उठ चुके हैं, वही का इंतजार, क्योंकि बगैर वही के हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो वो ही नहीं करते। हमारे अंदर तो पानी लवाइन होगा इल्ला वही, कुछ वादे थे, यकीन रखना चाहिए इस बात को, फिर अपनी तरफ से कहा या खुदा की तरफ से, नौ जो कुछ कहा खुदा ही की तरफ से, अपनी तरफ से कुछ नहीं, इंतजार वही का बहुत ही हर शिया का अच्छा जानता है और जानना चाहिए। कुल ला असलो को मला है अजर इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा, मैं तुमसे जो कुछ मैंने मेहनत की है काम किया है तुम्हारी खिदमत की है पैगाम पहुंचाया है तुम्हें मुसलमान बनाया है मोमिन बनाया है इसका सिला मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके ये जो मेरा करीब तरीन है इनसे तुम मुवद्दत रखो। माशाल्लाह मौजूद है वैसे ही बता दूं मैं, ये अकरबा का लफ्ज नहीं है, यहां कुर्बा का लफ्ज है। क्या हिज्जे है कुर्बा की, काफ रे बे छोटी है उस पर खड़ा ले, कौन सा सीगा है कुर्बा, वाहिद का सीगा है मुअन्नस का सीगा है। जरा सलवार पढ़ दे मोहम्मद वाले, अरबी तो वैसे ही आप जानते हैं अरबी का ग्रामर तो एक दुनिया में अनोखा ही ग्रामर है जी, जरा जरा सा जबर पेट जो है जमीन आसमान के मानों की तफरीक कर देता है। क्या चाहता हूं मैं, ये जो मेरा करीब तरीन है जी, उससे तुम मुवद्दत रखो, लव मोहब्बत भी नहीं का मुवद्दत का, बड़ा फर्क है दोनों मानों में जी, मोहब्बत हो जाए होगी किसी से, न हो न
लेकिन मुवद्दत अगर किसी से एक दफा हो जाए तो फिर उसके गैर का नाम दिल में आ नहीं सकता। सलवात पढ़ें जरा मोहम्मद। ये नहीं हो सकता कि उन्हें भी मानते हैं। ये लफ्ज भी कहां से आया? भी आया तो मोहब्बत न हुई, मोहब्बत न हुई तो ये करीब तरीन जो है I will try to be as simple as possible so that you see everybody should understand it well. These are the words of Almighty Allah uttered by Holy Rasul. ये जो मेरे करीब तरीन है इनसे तुम मुवद्दत रखो। रसूल खुद नहीं कह रहा है, अल्लाह कहवा रहा। कुल तुम कह दो तो पता है चला ये जो कुर्बान है इनका ताल्लुक रसूल से चाहे हो या न हो लेकिन अल्लाह से जरूर है। और अजीब अंदाज है, हुजूर से माकल जितने भी अंबिया थे किसी ने भी अपने कौम से अजर नहीं मांगा। हर एक ने यही कहा इन्ना अजरी अल्लाह, मेरा अजर जो है वो अल्लाह पर है। वो यहां मांग रहे हैं कि मैं तुमसे कोई अजर नहीं चाहता सिवाय इसके ये जो मेरा करीब तरीन है इससे तुम मुवद्दत करो। अजीब बात है जनाब, दूसरे अंबिया ने तो अजर मांगा नहीं, आप अजर मांग रहे हैं। तो अजर लेने वाला अच्छा होगा या जिसने अजर न लिया वो अच्छा होगा? बहुत तवज्जो से जना जी, मेरे रसूल पर अजीब किस्म का दूसरे अंबिया के मुकाबले में एक बात आयद हो रही है कि और अंबिया ने तो बगैर अजर लिए की थी खिदमत, रिसालत फैलाई, तबलीग की, इंसानों को हर तरीके से अशराफ बनाने की कोशिश, उन्होंने तो कोई अजर नहीं मांगा, मेहनताना नहीं मांगा। ये मेहनताना मांग रहे हैं? नहीं, रसूल ने भी नहीं मांगा, अल्लाह मंगवा रहा है। याद रखिएगा इस बात को, वरना बहुत बड़ा हर्फ आ जाता हमारे नबी पर कि और अंबिया ने तो बगैर उजरत लिए खिदमत की, इन्होंने तो उजरत ले ली। बहुत बड़ी बात आ जाती है, नहीं उन्होंने नहीं ली, अल्लाह ने। तो पता है चला इस उजरत का ताल्लुक भी कुछ अल्लाह ही मियां से है। रसूल तो अल्फाज कह रहा है, ये और बातें कुर्बा हैं रसूल के, तो मैं क्या करूं, कुर्बा हूं रसूल के कह रहा है अल्लाह। चलो आप पढ़े मोहम्मद अब आगे कुरान क्या कह रहा है, वमई यक्तरे फसनतन नजिद लहू फिया हुस्ना। तुम में से जो कोई भी ये एक नेकी करेगा हम अल्लाह उसकी नेकी में इजाफा कर देंगे। या इजाफा ये नहीं कि एक के बदले दस या एक के बदले बीस या एक के बदले सौ, ऐसा नहीं है। अल्लाह कह रहा है कि हम इजाफा कर देंगे इस नेकी में, अल्लाह की कोई हद नहीं। वो लामहदूद जी, और माजल्ला मेरा अल्लाह बखील भी नहीं। हम इजाफा कर देंगे नजीद लहू फीहा हुस्ना, इस नेकी के अंदर इजाफा कौन करेगा? खुदा करेगा, ना जाने कितनी करे। कायनात का मालिक है, जितना चाहे इजाफा करे। इजाफा करने के बाद वजाहत क्या की उसने, तवज्जो से देना। सारी जिंदगी हमने नेकियां की, ना जाने कितनी की नेकियां, फिर भी बख्शे जाने का यकीन नहीं। यहां पर ये एक नेकी की बात है, जो भी तुम में से ये एक नेकी करेगा हम अल्लाह उसकी नेकियों में इजाफा कर देंगे। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, इन्नल्लाह गफूरुन शकूर, बेशक खुदा बख्शने वाला कदरदान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
इन्नल्लाह गफूरुर रहीम नहीं कहा, यहां पर गफूरुन हलीम भी नहीं कहा, गफूरुन शकूर। बेशक खुदा बख्शने वाला कदरदान है। अरे मुवद्दत तुम करोगे, खुदा तुम्हारी कदरदानी करेगा। सलवात पढ़े नाम अल्लाह। पर भी कदरदानी नहीं है, यहाँ कदरदानी और खुदा बख्शने वाला सारी नेकियां कर ली, बख्शिश का यकीन नहीं, तो यहाँ एक नेकी की है, एक ही नेकी है ना। और मुझे कहने की इजाजत कुरान की रोशनी में, ये एक नेकी तमाम नेकियों पर भारी है। ये एक नेकी भाई कहीं तो कह देता कि तुम नमाज वाली नेकी पूरी करो, मैं गफूर भी हूँ शकूर भी हूँ, कहीं नहीं कुरान में, कहाँ जाऊँ। तुम रोजा रखने वाली नेकी करो, मैं गफूर भी हूँ शकूर भी हूँ, कहीं नहीं है। तुम कितनी मेहनत मुसीबतों से हज करते हो, तुम ये नेकी करो, गफूर भी हूँ शकूर भी हूँ, कहीं नहीं है, है? और यहाँ ये एक नेकी करो, एक नेकी, और हम उसको एक नहीं रहने देंगे, उसमें इजाफा कर देंगे। बात समझ में आ रही है क्या किया मैंने? एक नेकी आपने की, अच्छा जी बंदारे साहब बुरा ना मानिएगा। जो लोग आजकल नौजवान नस्ल है और भी नहीं कर सकते, भाई जिससे पढ़ना है बाहर मुकाबला करना चाहते हैं साहब, ये बताइए साहब, वो नमाज अफजल है या मजलिस? हमने कहा भाई ये सवाल तुम्हारे जहन में आया क्या? आया क्या टोपी अफजल है या शेरवानी? अरे भाई उसका अपना मकान है, उसका अपना मकान, उसका अपना काम है, उसका अपना काम है, उसका अपना सवाब है, उसका अपना सवाब, उसकी अपनी अहमियत है, उसकी अपनी अहमियत। जिनके जहन में ये सवाल आता है यकीन मानिए उनकी निगाहों में न नमाज की कोई अहमियत है न मजलिस की कोई अहमियत। ये नेकी की मवद्दत की अजीब अंदाज इस नेकी का, अल्लाह पर ईमान लाए तो नमाज पढ़ो, नगर उस पर ईमान लाए तो नहीं पढ़ सकते। जना नमाज पढ़ने के लिए क्या है? जिसम पाक, लिबास पाक, बावजू हूं, जहां नमाज पढ़ने जा रहे हैं वो जगह मुस्तहब हो, पाक उतारे हो, ये तब होगी नमाज, उसके बगैर नमाज हो नहीं सकती। मजलिस की हुई इब्तिदा, मवद्दत, दफ्तर से भागा आ रहा है जैसे कपड़े हों, क्या है पाबंदी? पाक उतारे हो तो बेहतर है, पाबंदी नहीं है, है? क्या है गुसल की पाबंदी? पाबंदी नहीं है, हो तो बेहतर। क्या है वजू की पाबंदी? नहीं, हो तो बेहतर। क्या है जगह की पाबंदी? जहां जगह मिल जाए, जिस जगह मिल जाए,
जैसे मिल जाए, पाक होना जिस्म का लिबास का कहीं पर भी जरूरी नहीं है मवद्दत के लिए। जरूरी है तो सिर्फ एक चीज, बहुत तवज्जो से, क्या? रूह पाक होना चाहिए। ये नहीं कि मैं यहां अमेरिका में पढ़ रहा हूं, मोमिन मोमिन होता है हर जगह का। रूह पाक होना चाहिए, जिस्म तो आपने पाक कर लिया पानी से, रूह किस चीज से पाक करेंगे? कोई चीज लाइए सामने, कोई चीज लाइए, और अगर रूह पाक नहीं है तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। रूह पाक करने के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज चाहिए जिसे खुदा बंदे लाजाद ऐसा पाक और ताहिर कहे। चलो आप पढ़ेंगे हम लोग, चल गया कि शिया किसे कहते हैं जी। ये मजालिस क्यों की जाती हैं, इन मजालिस में कौन सा दर्श है? अब दर्श समझ लीजिए आज, इन मजालिस में दर्श ये है कि किसी न किसी तरह से कोई ना कोई तरीका ऐसा हो कि हमारी रूह पाक हो जाए। मानिएगा, अरे गुनाहगार है, अल्लाह माफ करे, गुनाह होता ही उस वक्त है जब रूह पाक नहीं होती। रूह पाक होगी तो गुनाह हो ही नहीं सकता। तो अगर गुनाहों से बचना चाहते हो तो मुअद्दता फिल कुरबा रखो। खुद बखुद बचे रहोगे, जब बचे रहोगे तो क्या होगा? बख्शा जाना यकीनी है, और इस अंदाज से बख्शे जाओगे कि खुदा तुम्हारी कदरदानी करेगा। अरे खालिक भी अपनी मखलूक की कदरदानी करे, बुरा न मानिएगा। जो मुवद्दत रखते हैं उनकी तो खुदा कदरदानी कर रहा है, और जिनकी मुवद्दत का हुक्म दे रहा है। किसी जाकिर के अपने इख्तरा नहीं है, ये सब अकवाले इलाही हैं जो रिसालत मार के लिसान अकदस से हम तक पहुंचे, वहां के ये अल्फाज हैं खालिक की तरफ से, जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें पैदा किया कि हम तुम्हारी कदरदानी करेंगे। जो है ना जी, तो जब खुदा कदरदानी करे तो जिनके लिए कह रहा है, है? उसकी मंजिल क्या होगी उसकी निगाहों में? तो क्या मंजिल होगी? तसव्वुर से बईद मालूम होती है बात, है? तसव्वुर से बईद मालूम होती है। चलिए पूछी मैं उससे कि भाई तेरी निगाहों में इनकी क्या कदर कीमत है जी। तो हदीस कुर्सी में यही आएगा, लौला कलमा अगर तुझे पैदा न करता तो पूरी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बड़े किस्से हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम कलामत जी गोचारी तो हम हैं, जिनके किस्से बहुत हैं कुरान में, हजरत इब्राहिम के भी हैं, ज़करिया के भी हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। पूछा अल्लाह मियां ने
ऐ मूसा ये तेरे हाथ में क्या है? मूसा लट रखते थे कसा, मूसा कहे थे क्या आशा है, ये मेरा आशा है लट है नहीं, ये नहीं कहा मालिक ये मेरे हाथ में जो है ये एक लट है जिससे मैं बेरी के पत्ते तोड़ता हूं जानवरों के लिए जी, जिससे मैं टेक कर चलता हूं, जिससे मैं और बहुत से काम करता हूं। अरे भाई खुदा ने से इतने पूछा था ये है क्या है? कहता ये लट है नहीं, उसकी तारीफें करना शुरू कर दी तो पता है चला इतनी मोहब्बत थी हजरत मूसा को अपनी उस असा से कि उसकी तारीफ में बहुत तवज्जो रखेगा जनाब जी, तारीफों पे तारीफें शुरू कर दी। देख रहे थे जिब्राइल भी, अच्छा चलो अल्लाह मियां से थोड़ा सा हंसी खेल कर लें जी, देख रहे हैं कौन है चादर के साए में। देख रहे हैं ना जिब्राइल, ऐसा तो जिब्राइल को पता नहीं है कि कौन है, हैं? ये कौन है इस चादर के साए में? अल्लाह ने खाली नाम देके बता देते नहीं, इन्नी मा खलक्तु समा बम्यतम वला अर्दम मद्यतम वला फलकै यदुरु वला बैरै यदुरु वला फलकै यदुरु इल्ला फी मोहब्बते औलाए खमसत लदीना हुत्ता तलकिता। रुका नहीं अल्लाह मियां, इतनी मोहब्बत है कि शुरू कर दिया सिलसिला। नहीं बनाया मैंने इस मजबूत आसमान को, नहीं बिछाई मैंने जमीन है, नहीं बनाया शम्स न बनाया, कवान नहीं बनाया, किश्तियां न बनाया, पानी नहीं समझा, मगर इनकी मोहब्बत में एक बात मैं आपसे अर्ज कर दूं, इनकी मोहब्बत में ना तो अगर मैं आसमानों को देखूं तो कौन याद आना चाहिए? सलवात पढ़े मांगना सूरज को देखूं कौन याद आना चाहिए, चांद को देखूं कौन याद आना चाहिए हैं? ये क्या चीज जो मैंने आपसे अर्ज की, ये सुन्नत अल्लाह है, सुन्नत रसूल तो सुनी थी। सुन्नत रसूल अपनी सुन्नत, मैं दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब इतना कह दिया और मेरी सुन्नत, तो हमने सुन्नत रसूल तो सुनी, सुन्नत अल्लाह आज देख लो। एक बात जहन में रहना चाहिए कि सुन्नत रसूल सुन्नत अल्लाह के मातहत होगी, सुन्नत रसूल सुन्नतुल्लाह के मातहत होगी, जब सुन्नतुल्लाह ये है तो सुन्नत रसूल इनके अलावा कोई दूसरा हो नहीं। खुल्ला शिया है, ढके छुपे नहीं है जी, हम तो ये कभी कहते ही नहीं कि हमने गुनाह नहीं किए, अल्लाह माफ करेगा जी, इख्तियार उसी को है। लेकिन ये बात हम बबांगे दोहल कहते हैं कि हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं जी, किसी को एतराज हो तो हुआ करे, हम आपसे तो नहीं कह रहे कि आप गुलामी में आ जाएं,
खुद ही आप तमन्ना करने लगे कि काश लिखवा कर ले आओ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर क्या नाम है शहर का, शिकागो के अंदर इस इमाम बारगाह में 30-35 अगर मोमिन बैठे हैं, ये 30-35 भी 30-35 हजार के बराबर रहे हैं जी, क्योंकि मोमिन तो मोमिन ही होता है और कुछ नहीं हुआ करता। इन मजालिस पे क्यों आते हो? क्या कोई हाकिम बुला रहा है? क्या कोई बैंकर बैठा हुआ है? या किसी दौलतमंद के असलेरे असर जो आ रहे हो? क्यों आ रहे हो? सिर्फ वो गुलामी का आंसर है, वो लिए आ रहा है। क्यों? इस यकीन के साथ, इस यकीन के साथ मुहद्दिस देहलवी शाह अब्दुल अजीज नाम था, अब्दुल अजीज, उसने अपनी किताब में जो तफसीर है उसे लिखता है कि जन्नत के सदर दरवाजे पर पंजे पने पाक के नाम लिखे होंगे। तवज्जो से जरा, जन्नत के शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी लिखता है, किताबें मौजूद है पढ़ ली, जन्नत के सदर दरवाजे पर पंजे पने पाक के नाम लिखे होंगे। इमाम बारगाह कैसे पहचाना जाता है? ये हम गए लंदन, दिस इज टॉक ऑफ 1976, अच्छा पढ़ने गए। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ट्रिनिटी चर्च का बड़ा जिक्र था, बहुत ज्यादा ट्रिनिटी चर्च का जिक्र से जाते कैसा है क्या मुख्तसर करें। मैं पहुंचा वहां, बहुत बड़ा सा दरवाजा, वो ही पुराने जमाने का, आज भी वो घंटा लगा हुआ है, रस्सा है मोटा सा, ये है वो है। हम मैं परेशान हूं कि अंदर कैसे जाऊं, किस तरह कैसे जाऊं, कैसे जाऊं अंदर जाऊं, तो किस तरह से कहाँ बैठूं, क्या है वो जम नीचे। आज से 40 बरस पहले की बात नहीं, चली टाइम गुजर गए। तो बड़ी मुश्किलों से कोई बड़े नहीं आए लाठी चलते हुए। एक बात मैं आपसे आशा देता हूँ, आज अल्लाह न करे कि कभी मेरी इमाम बारगाह में ऐसा हो। वहां मैंने मेजॉरिटी बुढ़े खूसर दे, नौजवानों को मैंने वहां एजाज है एजाज है दिस इज अ पर्टिकुलर एक्सपीरियंस यू सी आई विटनेस फॉर इट व्हाट एवर आई डिड सी ओवर देयर। एक बड़े मियां साहब से मैंने पूछा कि भाई अंदर गया, बड़ी बड़ी बेंचें पड़ी हैं, ये है अजीब समय, परेशान सा हुआ, क्या करूँ, कहीं बैठा बैठ के समझ में नहीं आ रहा है वहाँ क्या होगा क्या होगा। दो चार मिनट में वापस निकला है, फिर एक साल ने बताया कि साहब वो इमाम बारगाह है, अहमद सिमित हैं, क्या उन्होंने पता होता लिख दिया मुझे। अच्छा वहाँ गाड़ी उस वक्त भी चला सकते तो गाड़ी चला ले, क्या आराम से, तो जैसे कराची में चलाना वैसे वहाँ चलाना, सिर्फ आज बस कुछ बुकलेट होना चाहिए था अगर आपको पता चलते रहे वही की पी वाले से अल्लाह करके पहुँच गए। गाड़ी खड़ी की साइड में उधर धड़ 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 अंदर चला गया। मुझे क्या जरूरत है किसी से पूछने की, मैं क्यों मालूम करूँ? मुझे पता है कि इमाम बारगाह है,
कहाँ से दाखिल होंगे, कैसे दाखिल होंगे, फर्शा कहाँ है, मिंबर कहाँ है, मस्जिद क्या है, बरसात क्या है, एक एक चीज से मैं वाकिफ पूरी जिंदगी आ रहा हूँ इमाम भाड़े के अंदर आता रहूंगा ना जब तक जिंदा हूँ जी, आता ही रहूंगा ना। और मरने के बाद पहुंचा वहां, वहां सदर दरवाजे में कहीं लिखा देखा चर्च में न जा सका हूं, इतनी बड़ी कोई जगह हो तो कैसे जाऊंगा, लेकिन जब देखा ये है परवाही नकी दाखिल हो गए, पहले मैं दाखिल न हुआ, आप भी सब मेरे साथ दाखिल अंदर जा रहे हैं, मजबा लगा हुआ है, कुछ तो अंदर गए हम जैसे, कुछ वहीं ठहर गए, आदि जो नहीं है तवज्जो है ना, आदि जो नहीं है, इधर ठहरे उधर आवाज आई, वक़फ़ुम इन्नहुम मसूलून, अरे इन्हें रोक लो, इनसे कुछ पूछना है, सलाम पढ़े मोहम्मद भैया, पूछने वाला जाने, जिनसे पूछा जाए वो जाने, हम तो चले गए जी। अब कह लीजिए प्रोफेसर साहब आप जन्नत बैठी सबको भेज दिया, हाँ मैं कौन होता हूँ भेजने वाला, मतलब वो खुद आदमी है चलेगा, मैं क्या करूँ, रोकने हक मैं क्या, फरिश्ते रोक नहीं सकते, हम क्या हक रखते हैं रोकने का, वो जो फरिश्ते मौजूद हैं वो ना रोक सके, उन्हें तो हुक्म यही मिला कि जो ठिटके इनसे पूछो, इनसे पूछो, इन्हें रोके ने कुछ पूछना है इनसे, ले जाने कुछ पूछना होगा भाई, फिर जन्नत के दरवाजे तक पहुंचकर भी जन्नत में दाखिल ना हो सके, पहुंचकर वहां पर फिर दाखिल ना हो सके तो कोई तो ऐसा गलत काम किया होगा, मतलब गलत कह रहा हूं, कोई तो ऐसा गलत काम किया होगा कि तमाम तर नेकियों के बावजूद हैं, तमाम तर अच्छाइयों के बावजूद, तमाम नेक आमाल के बावजूद तस्लीम कर लिया मैंने, कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर की है, जो फरिश्तों ने कहा रुक जाओ जी, खुद से नहीं कहा फरिश्तों ने रुक जाओ, तुम्हारी कैफियत देख कर कहा, जैसा पूरी जिंदगी में करते रहे वही तो है, बदल तो नहीं सकता था, पुख्ता हो गई जो बात पुख्ता हो गई, तो बड़ा एहसान है हमारी माओं का हम पर, ऐसा पुख्ता कर दिया, ऐसा पुख्ता कर दिया कि इस रास्ते से कभी भटके ही नहीं, बहके ही नहीं, 100 मील हो तो चले आ रहे हैं, 50 मील हो तो चले आ रहे हैं, खाली खुद ही नहीं आ रहे हैं, बीवी बच्चों को भी साथ ला रहे हैं, तलवार पढ़े मोहम्मद, दोस्तों दाखिल हो गए जन्नत में, दाखिल हो गए, देख क्या यकीन नहीं आप लोगों को सोच रहे बल नहाएंगे ना, अगर किसी को यकीन नहीं है तो इस फर्श अदा पर बैठने के लायक नहीं, याद रखिएगा दाखिल हो गए जन्नत, मुलाकातें हो रही हैं, अचानक कहीं ना मैं हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम नजर आ गई, चलो आए जरा खलीलुल्लाह से कुछ जसारत करके बात ही करूँ, अल्लाह के खलील हैं, पहुंचिया करीब सलाम का आप, अल्लाह के खलील आप जन्नत पे कैसे तशरीफ लाए, कैसा है प्रोफेसर पूछ रहा हमसे कैसे,
नहीं बस ऐसी जरा, अरे मियाँ क्या पूछता है, बड़े इम्तिहान आते हैं। मेरे हक में दुआ भी फरमाइएगा, सलाह पर दे मोहम्मद। बड़े सख्त इम्तिहान आती है, ऐसे इम्तिहान आते क्या बताऊं तुम्हें। आज मैं टेकर गया, बुत परस्तों में रहा, बेटे तक के लिए कहा गया इसको कुर्बान कर दो, उसके लिए छुरी मैंने लेकर हाथ पे बैठा। वो और बात है कि बेटा बच, अच्छा है बेटा बच गया, ये भी अर्ज कर दो सलवात पढ़े मोहम्मद। देखो नहीं रही हो रही, मुझे तो कहीं जाना है नहीं साहब, मैं तो शिकागो में आ गया हूँ। घड़िया देखो न वक्त का सोचो, या तो उठ के चले जाओ या घड़िया बंद करके जेल में रखो, दूसरी बात नहीं हो सकती। हमारे जितने भी फौजे दोस्त थे सबने कहा प्रोफेसर क्या बात करता है, आज सुनने को मिल रही इमामत क्या है, क्या वक्त की बात कर रहा है, सलवात पढ़े मोहम्मद। साहब इस्माइल की जगह एक मेढा आ गया, ये मेढा कहां से आया, मार्केट से आया, किसी खेत से आया, किसी गल्ले से आया, जन्नत से आया। खाली मेंढी को रूह आई थी या जिस्म भी आया थी, मेंढा जो आया दुम्बा जो आया, दुम्बे की रूह आई थी या जिस्म भी आया, जिस्म भी आया, कहां से आया, जन्नत से आया। हमारा जन्नत कहां है, अर्श पर है। अल्लाह अकबर, अर्श पर एक दुम्बे का जिस्म तो हो सकता है। सलवात पढ़ देना हूँ, कुंडी हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा, क्या कुंडी रूह की वजह से हिलती रही या बिस्तर रूह की वजह से गर्म रहा, कहीं तो जिस्म गया था। ये और बातें इतने जल्दी गए और इतने जल्दी आ गए जी, मेढे का जिस्म तो जा सकता है वहां और आ सकता है वहां है? जो अंबिया का सरदार हो उसका जिस्म वहां नहीं जा सकता है, वहां से नहीं जा सकता, जिस्म गया भी जिस्म आया भी नहीं। बात ये नहीं है, तस्लीम कर लेते हैं, बात दूसरी है कि वो पहले कैसे पहुंचेगा। नवाबीन थे साहब, वो फरुखाबाद और शमसाबाद के नवाबीन, हमेशा बड़े मशहूर थे अपने दौर के अंदर। मैं बहुत छोटा सा बच्चा था उस जमाने में, मकबूला बहुत आम है ये उमर मसूर की दाल, तो नवाब साहब के कोई होंगे बावर्ची, वो पांच दाने मसूर के दाल के लेते और उसके अंदर एक शेर घी डाल देते बावर्ची साहब, वो पांच दाने मसूर के इस तरह से पकवाते कि सुभान अल्लाह एक शेर घी में। तो एक नवाब ने कह दिया भाई हमें भी आप मसूर की दाल पका खिलाए, तो ये मुंह और मसूर की दाल है, बात खत्म हो गई। नवाब साहब की उन्होंने की दावत, दावत अपने घर बुलाया, उन्होंने दावत कबूल कर ली,
बुलाने वाले ने क्या किया कि इनका जो बावर्ची है उससे पहले बात कर लो। तवज्जो रखिएगा जरा, तवज्जो रखिएगा, उससे पहले बात कर लो। कन्या तुम्हारे आका को हम बुला रहे हैं, तुम्हारे आका को हम बुला रहे हैं, तुम जरा आकर पहले से उनके लिए जरा दस्तरखान वगैरह तैयार कर देना। वो खाना तैयार करना दस्तरखान पर चुना जाए। वो पहले से पहुंच गए वहां किस लिए कि आका हमारा आ रहा है, वो इनके घर आकर खुश होकर जाए। तो बुलाने वाले ने बुलाया, ये किसकी आवाज को पसंद करता है? व्यायाम कर सकता है तो व्यायाम नहीं कर सकता। बस एक तारीख वाक्य करके एक शैतान की तरफ चले, मस्जिद कूफा, फसाद बलाव, समंदर मौजन, जनाब अमीर कलाम फरमा रहे हैं। अचानक बहुत ही बुजुर्ग नाबीना साहब दिखा, कहे अल्लाह के रसूल के वसी, हमें कुरान की एक आयत ने शक में डाल दिया। मौला रुक गया, थम गया वो तूफान जो जारी और सारी। क्या कहता है कुरान की आयत तो शुक को शुभा तो निकालती है, तू कह रहा है एक आयत ने शक को शुभा में डाल दिया। कहां कौन सी आयत है? पहले तो मैं ये कहूंगा कि उसने अल्लाह के रसूल का वसी कहकर खिताब किया, ये खलीफतुल्लाह कहकर खिताब नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि अगर बता सकता है तो वही बता सकता है जो अल्लाह के रसूल का वसी हो। कौन सी आयत? सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत। क्या है वो आयत? वसाल मन अरसलना मिन रुसलना मिन कबले, ऐ मेरे हबीब उन रसूलों से पूछ ले जिनको हमने तुझसे पहले रसूल बनाकर भेजा। उन रसूलों से पूछ ले जिनको हमने तुझसे पहले रसूल बनाकर भेजा। हमें इस आयत शक में डाल दिया, क्योंकि जिस वक्त यह आयत नाजिल हुई हुजूर के अलावा कोई दूसरा रसूल नहीं था। जब कोई दूसरा रसूल नहीं था तो अल्लाह ने यह हुक्म क्यों दिया कि तो पूछो रसूलों से? और तवज्जो से जाना है, और रसूल है नहीं, अल्लाह ने हुक्म क्यों दिया? और जब अल्लाह ने हुक्म दिया तो रसूल ने माज़ अल्लाह हुक्म पूरा नहीं किया, वो रसूल थे नहीं जो अल्लाह का रसूल पूछता उनसे। बात समझ में आ रही है? उसने तो उन रसूलों से जिनको हमने तुझसे पहले रसूल बनाकर भेजा, उन रसूलों से पूछ, वो रसूल थे नहीं तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कैसे? जब पूछा नहीं तो अल्लाह ने हुक्म क्यों दिया? जब हुक्म दिया तो रसूल ने हुक्म अदूली की बात अल्लाह पूरा न किया। अब फरमाते हैं अमीरुल कलाम, हम जानते हैं कौन सी आज बहर में नाजिल होती है, कौन सी बहर में नाजिल कौन सी सोते हुए जागते हैं, कौन सी जागते हुए नाजिल, कौन सी यहां नाजिल होती है, कौन सी वहां नाजिल। जब मेरे आका की सवारी चौथ से आसमान पर से गुजर रही थी, दोनों तरफ रसूल सब बांधे खड़े हुए थे, आयत नाजिल हुई, ऐ मेरे हबीब इनसे पूछ ले, ये वही बता सकता है जो वहां मौजूद हो। परहेजगारी का जरिया मालूम करो हैं? और उसके साथ साथ क्या करो, सच्चों के साथ हो जाओ, तकवा अख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। सरनामे कलाम की
आया जिसकी तलावत का शरफ मैंने आपके सामने हासिल किया। सत्यों के साथ हो रहा हूं, ऐसों के मुकाबले में अगर कोई है तो हमें दुनिया दिखा दे, हम उनके साथ हो जाएं। तो जब कहा जा रहा है कि हो जाओ, तो एक बात यकीन हो गया ना कि मुर्दों के साथ होने का हुक्म नहीं दिया जा सकता। आयत मनसूख नहीं हुई है, मौजूद है, तो मानना पड़ेगा जिनके साथ होने का हुक्म दिया जा रहा है वो मौजूद हैं। और जब मौजूद हैं तो एक बात अर्ज कर देता हूं, जिंदों को पुकारना बिदत नहीं होती। अब समझ में आया कि मैं यह आली मदद क्यों कहता हूं। कभी एतराज न करना, सच्चों के साथ हो जाओ, यही वो फैसला था जो करबला में हुआ। इसको खाली ये ना समझा ट्रेजिक इवेंट ना, ये तो दुनिया में जो भी चाहे लिख दें लोग, अफसाना निगार या मोरफीन या जो, तो ये फैसला हुआ था, बहुत बड़ा फैसला। उधर जो फौज की हजारों की, कौन थे वो सब के सब नमाजी थे, तारीख है। और इधर जो 72 थे वो ऐसे थे कि जिन पर नमाज को भी नाज था। उधर जो थे हजारों, वो सबके सब कौन थे? रोजेदार थे। उस दिन तो उन्होंने रोजा रखा हुआ था, याद रखो शिया ने हैदर कर रहा, कभी 10 मुहर्रम को रोजा न रखा जी। और इधर जो थे 72 वो ऐसे रोजा रखें तो आयात इलाही नाजिल हो जाएं। उधर जो थे हजारों वो सबके सब हाजी थे, और इधर जो 72 थे वो ऐसे थे कि अगर ये हज करने जाएं तो इन्हें शरफ नहीं है कि ये बोसा दे। हजरे सब को शरफ मिलता है कि वारिस बोसा देने आए। ये फैसला हुआ, ये बहुत बड़ा फैसला हुआ कि सादिकीन कौन हैं, दुनिया देख ले, पहचान ले, तारीख में तलाश करे, ढूंढ ले, फिर हो जाए साथ। बैठे हुए सबके सब, चराग रोशन है। देखो ये अस्पिया जो हैं ये मेरी जान के दुश्मन है, मैं तुम सबके गले में से बैठ उतारा, जो जाना चाहता है सबकी तारीखी में चला जाए, जिसको साथ ले जाना चाहता है साथ ले जाए। चरा रोशन है मासूम इब्ने मासूम की निगाह आने वाले दौर के मौर्य के कलम पर। मौलाना महसूस किया ऐसा ना हो कि आने वाला मौर्य लिख दे कि जाना तो चाहते थे लेकिन रोशनी की वजह से तजब्जुब का शिकार थे। ये आपने हुक्म दिया अब्बास जिया का चराग को गुल कर, ऐसा लगा चराग गुल हो गए। थोड़ी देर के बाद मौलाना फिर हुक्म दिया अब्बास जिया चराग को रोशन कर। बस लदारो सरसराहटों की आवाजें हैं, कसकसाहटें हैं, इधर उधर हिलने जुलने की आवाजें हैं। और जो दोबारा रोशन हुआ चराग, तो जितने अंसारान रोशन बैठे थे वो सब खड़े, सब की तलवारें नियामों से बाहर। एक सहारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, नाम था खालिबन सईद, बहुत बुजुर्ग हैं, सीधा हाथ जो है तलवार के कब्जे पर है, बाएं हाथ से आंखों की भवों को ऊपर उठाया और उठाकर कहा, ऐ हुसैन तुम भी बड़े तक्कार हो,
तुम्हारे बाप भी बड़े ताकत थे। अरे ये तो बता दो, क्या ये मुमकिन है कि हम हौजे कौसर तक आकर वापस चले जाए? ये नहीं हो सकता। बस अगर इजलास बर्खास्त हुआ, सबके सरंसार आने हुसैन चले, किस अंदाज से जा रहे हैं, अटखेलियां करते हुए जा रहे हैं, एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए जा रहे हैं। देखना देखना मुस्लिम बिन सजा, कल कैसे मैं तलवार चलाता हूँ, कैसे जिहाद करता हूँ। ये न समझना कि हबीब बुढ़ा हो गया है, जिहाद नहीं कर सकेगा। जनाब मुस्लिम ने कहा, अरे हबीब ने मजाहिर क्या नाच करते हो तुम अपनी तलवार चलाने पर, कर मेला तुम जिहाद देखना, अशिया के किस तरीके से कुछ तो पुश्ते ना लगा दू। इस तरीके से गुफ्तगु करते जा रहे हैं। एक सहाबी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जरा पीछे रह गया, गुजर रहा था जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खेमे के करीब से, अचानक कानों में आवाज आए, अम्मा फिजा, भैया ने साथियों को आजमा भी लिया है, कभी ऐसा न हो कि कल जब किताल शुरू हो साथी छोड़कर चले जाए। दौड़ा दौड़ा आया वो साहबी, अम्मा मे को फेंका और कहा, अरे मुस्लिम बिन सजा, अरे हमें पता है, अरे गजब हो गया, आका जादी को हमारी वफा पर शक हो गया। सबके सब पलटे, सबके सब पलटे, सबके सब पलटे। अजरकुमुल्लाह पलटे कहाँ, आकर खड़े हुए जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इस खेमे के बाहर और आकर आवाज दी, अम्मा फिजा, हम गुलामों का सलाम आकाजादी की खिदमत में पेश करो और कहो कि अगर हमारी वफा पर शक है तो अभी अभी हुक्म दें, अपनी तलवारों से अपनी गर्दनें काट कर निछावर कर दें। मैं कहूंगा हबे बड़ा नाज है अपनी वफा पर, अरे मुस्लिम बड़ा नाज है, अरे आओ यही जनाबे ज़ैनब है, बाजुओं में रसल है, सर पर चादर बकदा रही है, लाशें तड़प जाएगी और कहेगी, ऐ ज़ाकिर हुसैन अगर एक दफा और जिंदगी मिल जाए फिर अपने आप को निशावर कर दूंगा। हमारी सी बात ही सबके सुनने और जानने वाला है। खुदावंदा मोहम्मद वाले मोहम्मद के सबके हमारे इस अदाखाने को और दीगर तमाम अदाखाने को शाद आबाद है। खुदावंदा मोहम्मद वाले मोहम्मद के सबके जितने मोमिन मोमनात इस मजलिस से मौजूद हैं उनकी दिली मुरादों को पूरा कर, तमाम मोमिन मोमनात को सिवाय गमे हुसैन के कोई दूसरा गम देखना न चाहिए। खुदावंदा मोहम्मद वाले मोहम्मद के सबके तमाम मोमिन मोमनात को हुब मासूमीन अलैहिमुस्सलाम कुलूब में लिए हुए सोम सलात का पाबंद। खुदावंदा मोहम्मद वाले मोहम्मद के सबके कितने मोमिन मोमनात इस जहान फानी से कूच कर चुके हैं उन सब को जवार रहमत में रखा। मातम हुसैन Y'all say, 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 y'